अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर स्थित थाना गाजी में बुधवार सुबह नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक कार से 24 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना गाजी के थानाधिकारी सज्जन कुमार ने बताया कि पंचायती चुनाव 2020 के मद्देनजर थाने के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान नाकाबंदी के समय बुधवार सुबह अलवर की तरफ से एक कार आती दिखाई दी, जिसको रुकने का इशारा किया तो चालक ने कार को भगाने का प्रयास किया। इस पर पुलिस जाब्ते ने बैरिकेड्स लगाकर कार को रोका और कार की तलाशी ली। तलाशी में कार के डिक्की में से दो प्लास्टिक के कट्टों में 25 गांजे के पैकेट मिले, जिनका कुल वजन 24 किलो 200 ग्राम होना पाया गया। जिस पर कार ने मौजूद लोगों से लाइसेंस आदि के बारे में पूछा तो कोई लाइसेंस नहीं होना बताया। आज पंचायती राज चुनाव 2020 के मद्देनजर उच्च अधिकारियों के आदेश से थाने के सामने मैं SHO और जाब्ता नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान समय 11:35 AM पर अलवर की तरफ से एक फोर्ड फिगो रेड कलर की कार एसफायर कार आती हुई दिखाई दी, जिसको SHO में जाब्ता के द्वारा रुकने का इशारा किया गया, परंतु चालक ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से बैरिकेड लगा करके गाड़ी को रोका गया। संदिग्ध प्रतीत होने पर गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी में पीछे डिग्गी में दो कट्टे गांजे से भरे हुए मिले, जिनके अंदर 25 पैकेट थे। कुल वजन तोला गया तो 24 किलो 200 ग्राम गांजा होना पाया गया। गाड़ी के अंदर तीन व्यक्ति बैठे थे, जिनके पास इस प्रकार से इतनी भारी मात्रा में गांजा रखने बाबत कोई लाइसेंस नहीं था। तीनों व्यक्तियों जिनके नाम अभिषेक शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी मेन मार्केट थाना गाजी अलवर, दूसरा मुकेश शर्मा सनो राम बाबू जाति ब्राह्मण निवासी मेन मार्केट थाना गाजी अलवर व तीसरा सरदार राम पुत्र कानाराम जाति माली उम्र 75 साल निवासी कासला की रानी थाना गाजी अलवर को बिना लाइसेंस अपने कब्जे में इतनी भारी मात्रा में गांजा रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और 24 किलो 200 ग्राम गांजा को जब्त किया गया। गाड़ी को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में प्रयुक्त होना पाए जाने पर गाड़ी को जब्त किया गया। तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गहनता से तीनों से इतनी भारी मात्रा में गांजा कहां से प्राप्त हुआ, कहां सप्लाई करते हैं, संबंध में पूछताछ की जा रही है। अनुमानित लागत कितनी होगी इसकी, और दूसरी बात इनमें और किन्हीं लोगों की जो संलिप्तता है कुछ बताया? और लोगों की संलिप्तता के संबंध में अभी पूछताछ कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा आप लोगों को बताएंगे। इसके अनुमानित लागत है। इस पर 24 किलो 200 ग्राम गांजा व कार को जब्त कर लिया गया। वहीं अभिषेक शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी मेन मार्केट थाना गाजी, मुकेश पुत्र रामबाबू शर्मा निवासी मेन मार्केट थाना गाजी एवं सरदारा राम पुत्र कानाराम माली निवासी कासला की ढाणी थाना गाजी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 2.25 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है।